वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम क्या लेके आए हैं, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट। ये देखिए, मूंग की दाल है, ये छिलका वाली मूंग दाल है साबुत। इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। इसके अंदर एक हरी मिर्च डाल दी है, 1 इंच अदरक डाल दिया है और ये 3/4 कप है, 3/4 कप मैंने डाल ली है। अब इसमें हम पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पीसेंगे और क्या बनाने वाले हैं, अब वो चीला बनेगा, मिक्स वेज या आप उसको उत्तपम बोलेंगे, तो वो हम बाद में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हमने मिक्सी में इसको डाल लिया है। बहुत थोड़ा सा पानी शुरू में डालेंगे, बहुत थोड़ा सा, और फिर इसको रुक रुक कर पीसेंगे। और हमें थोड़ा सा पीसना है, बहुत हल्का सा पानी डालेंगे ताकि मिक्सी को नुकसान ना हो। ध्यान से पीसें और दाल में भी बहुत ज्यादा पानी ना हो। और ये देखिए कितनी बढ़िया दाल पीस कर तैयार है। देखिए एक बार और मैं इसको चलाती हूँ चारों तरफ से साफ करते हुए। परफेक्ट, ये देखिए। और ये दो बार में मैं इस दाल को पीसूंगी, एक बार मैंने आपको पीस के दिखा दिया है, बाकी फिर मैं दूसरी दाल भी पीस कर इकट्ठा करके आपको बताती हूँ। ये देखिए दाल जो है वो पीस के कुछ इस तरह की हो गई है, कितनी बढ़िया दाल पीसी है। और इसको अब हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और ये हमने वेजीज की तैयारी कर ली है। ये गाजर को मैंने चॉप कर लिया है, गाजर के बाद प्याज को किया तो उसमें भी ये पिंक पिंक आ गया है। एक बड़ी प्याज को चॉप कर लिया है, 3/4 बीन्स को चॉप कर लिया है, 1 शिमला मिर्च को मैंने बारीक चॉप कर लिया है उसके सीड्स निकाल के, कुछ हरे धनिए के पत्ते हैं, हींग है जो हम यूज करेंगे, 1/2 चम्मच मैं इसमें जीरा डालूंगी। और ये मसाले हैं नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच भुना जीरा, थोड़ी सी रेड चिल्ली पाउडर और 3/4 पिंच मैं इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब 10 मिनट ढकने के बाद हमने इसको निकाल लिया है। ये देखिए कुछ इस तरह की हो गई है। अब हमें इसमें जितनी सब्जियां आपको खानी है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स है इतनी ही सब्जी डालनी है, जितनी आपको लगता है कि अच्छे से आप खा सकते हैं, इंजॉय करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सब्जी डालेंगे तो ये आपकी एक वेट लॉस रेसिपी बन जाएगी, ये देखिए। और बहुत खुशबू, बहुत अच्छी ये लगने वाली है। कितनी सारी हमने ये डाल दी हैं। और अब हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा जो मैंने आपको बताया है, और ये सारे मसाले, चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके देखते हैं। और ये गया इसमें हींग, ये हमारा रह गया था डालना, और हम इसमें कुछ नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए कितनी वेजीज हैं, वेजिटेबल हैं, आप इसमें कोई भी जो अपनी पसंद की सब्जी है उसको ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हैं। और इस स्टेज में आप इसको टेस्ट करके देखेंगे कि इसमें नमक वगैरह परफेक्ट है या नहीं। मैं इसमें कोई भी सोडा, कोई भी इनो इसमें यूज नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी और मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी सब्जियां और डालूंगी इसमें। और देखिए थोड़ा सा ही मिक्सचर कितना ज्यादा हो गया, क्योंकि हमारी इसमें सब्जियां जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और कितने कलर हैं, कितनी कलरफुल हैं, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डाल रहे हैं हम इसमें पानी और इसको फिर मिक्स करेंगे। और इस समय मैंने चेक कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट नमक है, काली मिर्च सब कुछ बराबर है, हरी मिर्च काट कर डाली है। अगर आप बच्चों को देना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। ये हमने 1 चम्मच घी इस पे डालकर फैला लिया है, थोड़ा सा इसको चिकना कर लिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दूंगी।
ये थोड़ा ठंडा हो जाए और अब हम इसमें ये फैला देंगे। आप छोटे छोटे साइज के बनाना चाहें तो आप छोटे बना सकते हैं, बड़ा बनाना चाहें तो आप बड़े बना सकते हैं। ये देखिए इस टाइप से हम इसको थोड़ा सा गोल करते हुए फैला देंगे और कितनी वेजिटेबल्स हैं आप देखिए इसमें, और इसको पकने देंगे। हमने इसको कवर कर दिया था और ये देखिए ऊपर से कलर चेंज हो गया है, ये पक गया है। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर थोड़ा सा घी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। अब हम इसको पलटेंगे और ये देखिए परफेक्ट परफेक्ट चीला उत्तपम, जो भी आप नाम देना चाहें। और अब हम इसी तरह से यहां पर जगह हो गई है, अब हम इसमें एक और डाल देंगे। ये बहुत सारी सब्जियां हैं आप देख सकते हैं, और छोटे छोटे बनाएंगे ना तो सबको एक एक मिल जाएगा। बस गैस को बिल्कुल सिम करना है और आप उसको तैयार करेंगे बनाने के लिए, क्योंकि वो अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो ऊपर से थोड़े से ये ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं, मतलब अपने पास सब ऑप्शन है। आपको ऊपर से थोड़ा सा वेजिटेबल्स को दिखाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसको थोड़ी सी वेजिटेबल्स आप ऐसे डाल सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट लग रहा है, और हाथ से थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर सकते हैं, यानी खूब वेजिटेबल्स डाल के खाइए। अब इन पर भी हम जो बचे हुए चीले हैं इन पर भी हम थोड़ा थोड़ा लगाएंगे घी। घी ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत थोड़ा लगाना है। और इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट, कुछ भी नहीं चिपका है, कुछ भी कोई जरूरत नहीं है जब आप नॉन स्टिक पे बनाते हैं ये ध्यान रखने की कि बस पेशेंस से आपको सेकना है कि वो अंदर से अच्छे से सिक जाए। ये नहीं कि ब्राउन हो गया और फिर सिका नहीं। ये हम इसको पलट लेंगे और इनके ब्राउन होने की इंतजार करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब देखिए ये तो परफेक्ट सिक ही गया है, आप देखिए दोनों तरफ से, और ये भी अच्छे से सेक रहे हैं और हम थोड़ा सेकेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए ये थोड़ा मोटा है और ये पतला है, यानी ये हमने चीला बना के दिखा दिया आपको, और ये बन रहे हैं हमारे मूंग की दाल के उत्तपम। बिना इनो बिना सोडा के ये हेल्दी ब्रेकफास्ट जरूर बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए। अभी हम जरा सा और सिकता है और फिर करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो लग रहे हैं ना यम्मी, मैंने आपको बताया ये चीला और ये उत्तपम, दाल के उत्तपम कितने सॉफ्ट हैं। आपको मैं यहाँ खोल के दिखाती हूँ, देखिए जाली पड़ी हुई है, ऐसे बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। तो बहुत सॉफ्ट और थोड़े मोटे हैं, दोनों तरफ से सिके हुए हैं। आप क्लोजअप करके देख सकते हैं कितनी वेजिटेबल्स हैं, दाल तो बहुत ही कम दिख रही है। तो आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगे और आप जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच।